गाइस नमस्ते, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और फाइनली आज हमारी ट्रिप बन गई है कहीं घूमने जाने की, और आज साथ में विपिन और मैं जा रहे हैं। पर यार आप लोगों को एक बात बताओ, टाइम इतना ज़्यादा हो गया है ना, मतलब 12 बज गए होंगे, 12 बजे तक हम यहीं अभी गोपेश्वर में हैं। हाँ 11:30-12 बज रहे होंगे अभी हम गोपेश्वर में, और आज हमारा प्लान है तुंगनाथ जाने का। देखते हैं क्या तो होता है, अभी कहाँ तक तो जाएंगे, चोपता या तुंगनाथ, कहीं तक तो जाएंगे ही। और बस ब्लॉग में बने रहें, तो सफ़र को कंटिन्यू करते हैं और निकलते हैं हम। और अभी तो बेबी चला रहे हैं, और ये है मंडल वाली रोड, थोड़ी डेंजर है, मतलब काफ़ी पतली है, संकरी रोड है। और आजकल काफ़ी टूरिस्ट वगैरह भी इसी रास्ते केदारनाथ से होते हुए इधर बद्रीनाथ को आते हैं, और चोपता तुंगनाथ रुद्रनाथ सारी जगह इधर ही से होते हुए जाते हैं। अभी हम पहुंच गए हैं गंगोल गांव, और यहीं से एक ट्रैक भी रुद्रनाथ का होते हुए जाता है, और वहां तो हम नहीं जाएंगे, हम तो यहाँ चोपता होते हुए जाएंगे। आज हम जाएंगे तुंगनाथ, और रुद्रनाथ का किसी और दिन बनाएंगे। और इधर बहुत सारे गांव है, सगर है, बहुत सारे, मतलब जो मंडल से इधर पीछे आते हैं गांव, और ये सामने वही दिख रहे हैं। मंडल तक तो मैं काफ़ी बार जा रही हूँ, पर ऊपर तुंगनाथ वगैरह नहीं जा रही हूँ। मंडल से हम आगे की तरफ निकल गए, और इस रास्ते में सच में इतना ठंडा लग रहा है, ऐसे सुनसान जंगल। विपिन तो मुझे बोला मैं तेरे को रास्ते में छोड़ दूंगा। बस पहुंचने ही वाले हैं हम चोपता वैली में, और ये देखिए आजकल तो पहाड़ों का मौसम इतना खूबसूरत सा हो रखा है। आ जाइए आप सभी लोग भी घूमने के लिए। विपिन तो बेचारा निराश हो गया इस रोड करके देख करके। वैसे रोड तो एकदम चकाचक हो रखी है, तो आजकल आ सकते हैं आप लोग, और ज़्यादा मतलब उतनी भीड़ भी नहीं है, ठीक ठाक है, और मौसम भी एकदम मस्त हो रखा है पहाड़ों में, ना ज़्यादा बारिश है ना कुछ, मतलब ठीक है मौसम, ना ज़्यादा गर्मी है। और सबसे बेस्ट तो मुझे रोड लगी कि रोड एकदम चकाचक हो रखी है। ईश्वर के हिसाब से तो यहाँ ठंड भी ना बहुत ज़्यादा हो रही है, एकदम ठंडा लग रहा है। वही मैं तो जैकेट वैकेट भी कुछ नहीं ला रही, वैसे ही आ रही है। फाइनली हमने एंटर कर लिया है चोपता में, और आजकल तो इधर बहुत सारे कैफ़े वगैरह रेस्टोरेंट वगैरह खूब दिख रहे हैं, ऑफ सीजन तो कुछ दिखता ही नहीं है, और जब से सीजन खुला तब से तो काफ़ी लोग दिख रहे हैं। और आजकल रोड के किनारे ये भी लग रहे हैं, ठीक है सेफ्टी पर्पज के लिए अच्छा है, कुछ टाइम बाद ये भी गायब दिखेंगे। और टूरिस्ट वगैरह की गाड़ियाँ तो लगातार दिख रही है, लगातार पहाड़ों में आ रहे, तो थोड़ा बच के रहना भाई, वैसे भी गाड़ियाँ ऐसे चलाते ही लोग आगे बंद करके, और काम तो बरोबर लगा हुआ है। सारी गाड़ियाँ इधर ही पार्क में लगा रखी है, क्योंकि आगे सारी जगह नहीं होगी ना, और आज तो सच में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह भी दिख रहा है। एक तो रोड छोटी है ना थोड़ी, तो इस वजह से सारी गाड़ियों को इधर ही रोक लेता है। और ये देखिए यार आज तो खतरनाक, एक तो आज संडे है, तो संडे की वजह से कुछ ज़्यादा ही। हमने यहीं चोपता में बिता दिया, मतलब चोपता भी नहीं पहुँचे, चोपता से थोड़ा सा पीछे, और यहाँ पे इतना खतरनाक जाम लग रखा है, ये देख सकते हो आप। मेरे को तो लग रहा अब ऊपर का पता नहीं क्या ये प्लान होगा, ना ये जाम खुल रहा है ना कुछ, और ना ही हमें जाने की स्कूटी, तो वैसे कहीं से भी घुस जाएगी, पर यहाँ पे बिल्कुल इतनी भी जगह नहीं है, थोड़ी भी जगह मिल जाती तो शायद हम निकल जाते, और इतना लंबा जाम लग रखा है, क्योंकि ऊपर साइड सारे टूरिस्ट वगैरह ने पार्क कर की है अपनी गाड़ियाँ, और नीचे से ये रोड वैसे भी इतनी छोटी है। पहुँच गए हैं चोपता में, और यहाँ से अब तुंगनाथ, यहाँ से ऊपर जाना है हमें तुंगनाथ को, और इसके हालत तो इतने टाइट हो गए, इतना लंबा जाम लग रहा था, वो तो बड़ी मुश्किल से विपिन ने निकाल दिया हमें, और दो तो यहीं बज गए, अभी पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तीन बज गए, देखिए 3 बज गए, और यहाँ से ऊपर ट्रैक करना है, आप देखते हैं कितना कुछ स्टार्ट नहीं हुआ, और विपिन के अभी से हालत ख़राब होने लग गई ये, और यहाँ पे से घोड़े खच्चर वगैरह भी ले सकते हैं, कोई चल नहीं पाएगा तो। और हम तो देखा अभी बहुत सारे लोग जा रहे हैं, चलते हैं फटाफट।
कट रास्ते होते हुए जा रहे हैं ऊपर, और नीचे कितना सुंदर बुग्याल दिख रहा है, और काफ़ी लोग शायद आज संडे के जैसे काफ़ी लोग आ रहे हैं। विपिन की तो हालत इतनी टाइट हो गई है, मुझे बोल रहा है मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ तो ऊपर हो क्या, और यहाँ से ऊपर देखो अभी तो पूरी खड़ी चढ़ाई है। और चलते हैं अभी फटाफट, विपिन की तो ज़्यादा ही हालत ख़राब है और घर से यही लगा होता है जल्दी चल जल्दी चल। और अभी देखो चलो फटाफट से आपका आगे का व्यू दिखाते हैं। वैसे तो है इधर लंबा पर हम इधर से आए यहाँ से, और एक छोटा सा कैफे यहाँ पे भी है, और अभी तो ऊपर चढ़ना है। मैं तो मेरे पूरे ट्रैक की ना ऐसे की तैसी कर दी है, चल ही नहीं पा रहा है, जगह जगह पे ये ऐसा मरीज जैसा आ रहा है। और अभी हम ठीक ऊपर जाना है, इतने ऊपर जाना है, इसकी बस की तो मुझे मुश्किल ही लग रहा है। और घर से बोले तो आज केदारनाथ चलते, केदारनाथ मुश्किल है इसकी बस की है। ये जगह जगह पैसे रुक रहा, मैं इसको बोली चल, मुझे बोला जा तू चले जा, अबे मेरा अकेला जान कर था मैं तो चले ही जाती, और लड़के के पूरे हालत है। चलिए हम पहुंचने वाले हैं, अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, और मंदिर यहाँ से ऊपर दिख रहा है, ये यहाँ जाना है हमें अभी। अब तो सीधी चढ़ाई है, सही में यार हालत बहुत ज़्यादा टाइट हो गई है ना विपिन। ये देखो रास्ते पर, पूरे रास्ते पर बैठते बैठते आ रहा है, और ये देखिए अभी इतने लोग आ रहे हैं, कितने लोग ऊपर चले गए, मंदिर के पास पहुंच गए हैं। ये ऊपर मंदिर दिख रहा है, लग गया है, और मंदिर कहाँ है, ये ऊपर तो है दिख नहीं रहा है, पागल कहीं का चश्मा कहाँ है तेरा, चश्मा पहन ले पहले तभी तो दिखेगा बेवकूफ, तेरे सर में ये ऐसे बेवकूफ रहते हैं जिन्हें आँख नहीं दिखती है। और अभी हल्की हल्की बूंदाबांदी भी होने लगती है, भाई मुझे तो दे दे ऊपर का, और इसे लगने लग गई है ठंड। और ये देखो अब तो हम मंदिर के पास पहुंच गए हैं, चलो पहुंचा ही दिया मैंने तो आज जल्दी, झूठ है, दो घंटे का आधे घंटे का ट्रैक तूने पहन लिया, दो घंटे का ट्रैक बना दिया है। हाँ अंकल जी थैंक यू, चश्मे के दिखता ही नहीं है, अच्छा मैं सच बताऊं काश ऐसा होता। और हल्की बूंदाबांदी हो रही है, हल्की बूंदाबांदी होने लग गई है, ये मेरे लिए कपड़े भी नहीं लाई, खुद तो अपने के लिए बैग भर करके कपड़े लाई है मेरे लिए, इसने कहा आज मुझे लग रहा है मुझे यहीं रुकना पड़ेगा पॉली हाउस के अंदर। यहाँ से मोटे मोटे लोग जा रहे हैं घोड़े में बैठ के, बेचारे घोड़ों की जान ही ले ली है यार, सच्चाई तो बता दें पैसे वाले लोग जा रहे हैं, कोई इसमें भी जा सकता है, मोटे लोगों की सच्चाई है कि मोटे लोगों की बात नहीं है, लोग बात है पैसे वाले लोगों की बात, सच्चाई नहीं बताना चाहती है ये। जब भगवान के द्वार पर आना है तो थोड़ा सा पैदल चलना तो जरूरी है, ये वही लोग बोलते हैं जिनके पास ज़्यादा अधिकतम मनी नहीं होता है, जो बार बार बैठते रहते हैं और बोलते हैं कि हम भगवान के द्वार पर आ रहे हैं, ऐसे लोग पहुँचेंगे भगवान के द्वार पर हैं जल्दी, पहुँच गए हैं पूरा, अब यही से घर वापस जाने की इच्छा है इसकी, ऊपर जाएंगे इतना आ गए तो मंदिर तो जाना बनता ही है यार, लंबी लाइन से आ गए हम, ये देखिए पीछे, और अभी इतनी लंबी लाइन है, इन भैया लोगों ने घुसने दिया हमें आगे, इतनी लंबी लाइन, और फाइनली हम मंदिर में पहुंच गए हैं, ये मंदिर ये है, अभी मंदिर के गेट में हम ये मंदिर में पहुंच गए हैं, वर्ल्ड हाईएस्ट रुद्रनाथ टेंपल फाइनली, जहाँ आने का मैं काफी टाइम से सोचती थी पहुंच गई हूँ।
तो हमारे अच्छे से हो गए हैं और बस अब थोड़ी बारिश वगैरह होने लग गई है यहाँ, और भीड़ इतनी ज़्यादा लग रही है, इतनी ज़्यादा। अभी तो मैंने जैकेट पहन लिया और विपिन भी रेनकोट वगैरह पहन रहा है क्योंकि इसकी तो तबीयत ख़राब हो रही है। और यहाँ से आपको भीड़ दिखाओ तो इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, ये देखो यहाँ से पूरी लाइन लगी हुई है इतनी नीचे तक, इतनी ज़्यादा खतरनाक वाली लाइन। और मंदिर में ये साइड में अंदर तो वीडियो बनाना मना है तो इसलिए वीडियो नहीं बनाया अंदर, पर भीड़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। बस अब निकलते हैं क्योंकि मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। मंदिर सामने से और ये देखिए भीड़ तो बराबर, इतनी ज़्यादा भीड़ है, पर दर्शन भी अच्छे से हो गए हैं और थोड़ी थोड़ी बारिश वगैरह भी होने लग गई है। अब थोड़ा फ़ोटो वगैरह खींचते हैं। तार लोग आ ही रहे और हमने फ़ोटो वगैरह खींच दी है, बस अब निकल रहे हैं हम यहाँ से। भगवान की कृपा रही तो फिर अगली बार फिर आएंगे। आधे वक्त बारिश लगने लग गई बहुत मोटी मोटी। अब ये पहने तो पहन लिया रेनकोट, मैंने नहीं पहना, ये बोला मेरे को जादू बन ले तू भी कि प्लास्टिक वाले पहन ले। मैंने कहा नहीं, जब मोटी बारिश आई तो नीचे चौपता से लेंगे, और अभी तो इतना तो हल्का फुल्का ही है, थोड़ा बारिश के भी तो मजे लेने चाहिए। लोगों ने सोचा हम अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके फ़ोटो खींचेंगे और यहाँ करके देखा जादू बने हैं, लाल पीले, लाल पीले नीले जादू बने हुए हैं। फाइनली हमने तुंगनाथ का ट्रैक पूरा कर लिया है और हम यहाँ चोपता में पहुँच गए हैं। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग को इतना ही रखते हैं इन ब्यूटीफुल से बुग्यालों के साथ, और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। और इस ब्लॉग को मैं इतना ही रखती हूँ, बाय बाय, लव यू ऑल। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। बाय बाय।